मेरा नाम रेखा भोड़ेकर, मैं संजय नगर बरहानपुर की निवासी हूँ। संजय नगर ही है ना? हाँ ठीक है, संजय नगर बरहानपुर की निवासी हूँ। मेरे पति कहीं बैठी हो, मेरा नाम रेखा भोड़ेकर, संजय नगर बरहानपुर से, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला देना। बरहानपुर, संजय नगर बरहानपुर की निवासी हूँ। मेरा पति दिन रात दारू के नशे में रहते थे गुरुदेव। हम सब बहुत परेशान थे, बच्चे भी और हम भी बहुत दुखी होते थे। एक बार शिव महापुराण की कथा टीवी पर सुन रही थी, पति भी वहीं बैठकर थोड़ी सी कथा उसने सुन ली, और कथा सुनने के बाद में टीवी के सामने ही उसने संकल्प ले लिया कि आज के बाद कथा का नशा करूंगा, मदिरा का नशा नहीं करूंगा, और मदिरा छोड़ दी। गुरुदेव, बाबा की कृपा से 3 तारीख से कथा चल रही है। मेरे पति मुझे लेकर आते हैं, कथा सुनवाते हैं, और इतने महीने हो गए उन्होंने मदिरा को हाथ तक नहीं लगाया। मैं देवाधिदेव महादेव को प्रार्थना करती हूँ सबका कल्याण ऐसे ही करे। ये शिव तत्व है, अवघड़ी, ये शंकर, ये दयालु। अब करो भजन उस महादेव का। किसी के चक्कर में नहीं पड़ना है, आपको महादेव का भजन करना है, आपको भक्ति करना है, आपको भजन करना है, आपको कीर्तन करना है, कहीं दूसरी जगह नहीं जाना है। हम कभी नहीं कहेंगे कि कहीं जाओ, आप तो अपने घर के पास में जो महादेव का मंदिर है, अपने घर के पास में जो शिवालय हो, अपने घर के पास में जो देवाधिदेव महादेव विराजमान हो, आप वहां जाओ, उससे कहो, कंकर में शंकर बसता है, दिल से कहोगे वो दिल से सुनेगा। रोज कथा में